वेलकम। आइए, लास्टली जो हमने 4 डिफरेंट इंटीग्रेशंस हमने सीखे थे उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा 10 3 - 4x dx। अब इसके लिए हमें सबसे पहला काम करते हैं कि 3 - 4x को कुछ सपोज कर लेते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो हमने रेड किया 3 - 4x = t। डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा -4dx = dt, यानी dx का वैल्यू आ जाएगा -1/4 dt, करेक्ट। आइए, अब ये जो इंटीग्रेशन मेरे पास है ये कितना हो गया, दिस इंटीग्रेशन इज -1/4 आउटसाइड आ गया आपके पास, और 10, और इस 3 - 4x को आपने t सपोज किया dt, इज इट फाइन। आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, -1/4। अब 10t का इंटीग्रेशन आपको याद है वो होता था -log(cos t), राइट, प्लस सम कांस्टेंट सी, तो ये हो गया +1/4 log(cos), और t हमारे पास था जी 3 - 4x और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने इस 10t का इंटीग्रेशन क्या किया, -log(cos t). लास्टली बताया भी था हमने आपको कि इंटीग्रेशन इसका लिख भी देता हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ मैं मेंशन भी करता हूँ, फॉर्मूला भी आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू -log(cos x) और प्लस सी। तो ये हमने वहां पर ऊपर अप्लाई कर दिया, करेक्ट। अब आइए जी इस दूसरे पार्ट पर, दूसरे पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा, ये तो कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है जी, sin x / sin x + a। अब आप कोशिश कीजिए कि किसी तरह से ऊपर भी sin x + a फॉर्म हो जाए, तो ऊपर वाले इस x में a ऐड कर दीजिए और a माइनस कर दीजिए, एंड डिवाइडेड बाय sin x + a एज इट इज। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि हमारी इच्छा है इसमें sin a, इसको पूरा एक एंगल सपोज कर लेंगे, sin a - b, तो sin a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं जी यहां पर, जो कि बनेगा sin x + a cos a - cos x + a then sin a। अब पूरे के अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में हमारे पास है sin x + a, इसे सेपरेट सेपरेट दोनों के नीचे डाल दीजिए, आप दोनों के नीचे लिख दीजिए, राइट, यहां और यहां ब्रैकेट्स बंद कर दीजिए, और dx, करेक्ट। अब ये sin x + a से sin x + a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा केवल cosine(a) और dx माइनस, इसमें से देखिए साइन ए कांस्टेंट आउटसाइड ले लीजिए, और ये आ गया cos x + a / sin x + a। इंटीग्रेशन लगा देता हूं यहां, ये हो गया मेरे पास cot x + a dx, आसान।
अब यहां देखिए ये आपके पास केवल कोस ए है, ये इंटीग्रल की कहो तो यहां इंटीग्रेशन यहां मैं हटा देता हूं ये वाला, यहां पर ये इंटीग्रेशन हम यहां से हटाकर यहां लगा देते हैं, द इंटीग्रेशन विल बी समवॉट हियर, यहां लगा देते हैं। अब ये क्या dx, dx का इंटीग्रेशन क्या जी, केवल x माइनस साइन a कांस्टेंट, ये बना आपके पास कोट, नॉट कोस, दिस इज कोट, दिस इज कोट x प्लस a। अब कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, वो होता है log ऑफ साइन x प्लस a, log ऑफ साइन x प्लस a और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें आपने देखा साइन x प्लस a, साइन a साइन x ऑलरेडी था हमारे पास ऊपर, और हमने इसमें a प्लस किया, a माइनस किया, सो दैट कि इसको हम एक फॉर्मूला बना करके मेंशन कर सकें, लिख सकें जी। इज इट ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आया एक मेरे सामने, और इसमें है कोसाइन ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय साइन x माइनस b, राइट। तो यहां पर अब आप क्या करते हैं, अब यहां देखिए जी, यहां पर आप क्या करेंगे, आप के पास इंटीग्रेशन कोसाइन, अब नीचे x प्लस b है, तो आप क्या कीजिए, यहां भी x प्लस b बना लीजिए, यानी b अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, a ऑलरेडी था जी, और b उसमें से आप माइनस कर लीजिए, तो x प्लस b इसे आप a ले लीजिए, यानी cos, इसे पूरे को a सपोज करते हैं, और ये b हो जाएगा, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं, एंड डिवाइडेड बाय साइन x प्लस b dx। तो यहां पर cos a प्लस b का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जी, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा cos a और cos b माइनस साइन a और साइन b, ठीक है, याद होगा आपको फॉर्मूला, नहीं है तो मैं मेंशन करता हूं यहां पर। तो यहां पर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो मैंने बोला cos a प्लस b, जिसे आपने लिखा cos a cos b माइनस sin a sin b, लाइक दिस। अब यहां पर हमने a की जगह x प्लस b लिया और b के प्लेस पर a माइनस b हमने सपोज किया, और डिवाइडेड बाय क्या है जी, sin x प्लस b डिवाइडेड बाय sin x प्लस b, ये डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स, करेक्ट। अब इस साइन एक्स प्लस बी को ये माइनस से इधर वाले पार्ट के अपॉन में भी रखिए, उधर वाले पार्ट के अपॉन में भी रखिए,
तो देखिए जिस तरह से मेरे पास क्या फॉर्म हो जाता है, आप देखेंगे कि ये जो cos a माइनस बी है ये तो आउटसाइड रख लेते हैं, दिस इज cos a माइनस बी, cos x प्लस बी अपॉन sin x प्लस बी, ये आपके पास हो गया cot x प्लस बी dx, इसे मैंने सेपरेट कर लिया जी, देन माइनस साइन ए माइनस बी, इसको आप आउटसाइड ले लीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट बनेगा, साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस बी डी एक्स, करेक्ट। अब इसका देखिए जी इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास, साइन एक्स प्लस बी के अपॉन में भी तो साइन एक्स प्लस बी बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बल्कि इट विल बी कैंसल आउट, यहां खाली मेरे पास डीएक्स बन जाएगा जी, क्योंकि जो साइन एक्स प्लस बी अपॉन में है वो तो पूरे के अपॉन में, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, तो यहां से तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए और केवल बन जाएगा मेरे पास ओनली डीएक्स है, करेक्ट। तो आपके पास कोस ए माइनस बी, अब इस कोट एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इंटू में एक्स, क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, प्लस कांस्टेंट सी, राइट। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, नीचे हमने देखा था x प्लस बी है, हमने ऊपर भी किसी तरह से x प्लस बी बनाने की कोशिश की, तो b ऐड किया, b सब्ट्रैक्ट किया, ये जो a था ये एज इट इज हमने छोड़ा, और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमने इंटीग्रेट कर लिया, राइट। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो है जी कोट क्यूब x। अब कोट क्यूब को हम ऐसा करते हैं, कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स की टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ जी, इसका बेनिफिट ये हुआ कि कोट स्क्वायर एक्स को हम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू कोट एक्स की टर्म में ब्रेक करते हैं। अब इस कोट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा कोटेक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस इंटीग्रल कोटेक्स डीएक्स। अब आपको यहां ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस कोटेक्स को कुछ सपोज कर लें तो कोसेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव बनेगा, देखिए मैं अलग से करके दिखा देता हूं आपको कि अगर मैं उस कोटेक्स को टी सपोज करूं तो उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स वो डीटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी अगर आप इसे प्लस कर दें तो ये नेगेटिव, तो ये मेरे पास नेगेटिव डीटी आ जाएगा, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा टी और डीटी इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू, तो यानी आपके पास इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन लगा दीजिए और कोट स्क्वायर एक्स अपॉन टू आप इसको कीजिए, तो नेगेटिव साइन लगाइए यहां पर कोट स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस सी, ये मेरे पास आ जाता है जी, राइट। तो इस तरह से हमने जो लास्टली चार फॉर्मूले सीखे थे उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर की, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।